सीटू के राज्य सचिव विजेंद्र मेहरा ने कहा कि रसोई गैस से लेकर खाने पीने की कीमतों में रोजाना बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, जिसे जनता त्रस्त हो चुकी है और देश की सरकार उद्योगपतियों से मिलकर उनको फायदा पहुंचा रही है, जबकि देश का गरीब तबका पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, जिसके चलते लोग घरों के बाहर निकलकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। हमारा सीधा ये मानना है कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमीरों की लूट और ज़्यादा बढ़ गई है और ये नज़र आता है साफ इस रूप में कि जहाँ तक हम महंगाई की बात करते हैं, चाहे वो खाद्य वस्तुओं की महंगाई की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल का सवाल हो या मिट्टी के तेल का सवाल हो या फिर जो है जितनी भी सारी चीज़ें जो आज मार्केट के अंदर मौजूद है, तमाम की तमाम चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और सीधा आरोप हमारा ये है कि जो सट्टा बाजार है इस देश के अंदर, सट्टा बाजारी काम करते हैं, जो काला बाजारी करते हैं, जो जमाखोरी करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं, होर्डिंग करते हैं, उन सबको खुला संरक्षण प्राप्त है इस सरकार का। ये हकीकत बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये एक तथ्य है कि हमारे देश के अंदर जो पेट्रोल और डीजल का, कच्चे तेल का, रिफाइनिंग का सबसे बड़ा काम जो करता है वो मुकेश अंबानी करता है। और इसीलिए पूरे दुनिया में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक तिहाई हो गई तो हमारे देश के अंदर कीमतें बढ़ गई। ये बड़ी विडंबना है, ये बड़ा उल्टा काम है। और इसी के साथ साथ जो खास तौर पे खाद्य वस्तुओं की बात जब हम करते हैं तो हमारे देश के अंदर जितनी खाद्य वस्तुएं हैं उसमें विशेष तौर पर जो दालें हैं और जो सरसों का तेल है उसका सबसे बड़ा व्यापारी अडानी है। और इन दोनों अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझ के घपलेबाजी की जा रही है। वहीं मंडी में भी सीटू द्वारा जमकर धरना प्रदर्शन किया गया व रसोई गैस की कीमतों में हुई वृद्धि को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही शिमला व मंडी के अलावा हमीरपुर में भी सीटू के सदस्यों द्वारा धरना प्रदर्शन कर महंगाई में हो रही बढ़ोतरी के लिए जवाब मांगा गया व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। 3 महीने से लगातार जो केंद्र की सरकार ने 222 रुपए जो गैस के सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की है और जिसके चलते आम जनता का जो जीना है, आम जनता को जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उसको महंगाई के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर आप देखें तो जब प्याज का सीजन महाराष्ट्र के अंदर था, किसानों से 1 रुपए किलो के हिसाब से प्याज खरीदा गया, आज वही प्याज मार्केट के अंदर 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो के दाम से बेचा जा रहा है। टमाटर खरीदने अगर आप जाएँ, टमाटर के दाम 60 रुपए किलो है। जब केंद्र वहाँ बड़े उद्योगपतियों ने, बड़े कारोबारियों ने, बड़े आढ़तियों ने वो जो प्याज 1 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा, तो बताएं उन्होंने 80 रुपए में उसमें कौन सी बड़ी ऐसी लागत उन्होंने वो कर दी कि वो जो प्याज है वो 80 रुपए किलो के हिसाब से हो गया। महंगाई लगातार बढ़ रही है। ये जो केंद्र की सरकार है बड़े उद्योगपतियों को, बड़े सरमायेदारों को, बड़े ठेकेदारों को, बड़े आढ़ती को जो फायदा पहुँचाने के लिए जो तो काम कर रही और लगातार जो महंगाई बढ़ रही, इस महंगाई के ऊपर अगर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले दिनों में जो आंदोलन है वो तेज किया जाएगा।